नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र जागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लगभग 1.5 लाख रुपए मिलता है उसमें आप घर कैसे बनवा सकते हैं, उसका मैं डिजाइन बताने वाला हूं। काफी लोगों के मन में डाउट रहता है कि 1.5 लाख रुपए में घर नहीं बनता। हालांकि अगर आप सारी चीजें चाहेंगे तो 1.5 लाख में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और उसी कंप्रोमाइज को करते हुए मैंने एक डिजाइन क्रिएट किया है जो कि आप लगभग 1.5 लाख में बना सकते हैं। आपका हो सकता है थोड़ा पैसा ज्यादा लगे क्योंकि एरिया पर डिपेंड करता है। मैंने एरिया दोस्तों इतना बनाया है जिसमें एक फैमिली आराम से रह सके और ज्यादा कोशिश ये नहीं की है कि आपको छोटा किया जाए। तो आपको थोड़ा सा पैसा हो सकता है घर से लगाना पड़े, लेकिन लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए में आसानी से इस मकान को आप बना सकते हैं ज्यादा तीम झाम ना बनाते हुए। तो आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपका आवास का नक्शा होता है वो कैसा हो सकता है वह डिटेल बताने वाले हैं। दोस्तों इसमें केवल घर बनाया है, लेट बाथ मैंने नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि लेट बाथ आप अलग बनवाइएगा नहीं फिर आपका पैसा कम पड़ जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। तो चलो पूरा डिटेल आज हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इस मॉडल की हम बात कर रहे थे वो आपके सामने मॉडल प्रस्तुत है और एक बेहतरीन सा मॉडल और काफी कम एरिया में एक बेसिक रिक्वायरमेंट को इस मॉडल को रखते हुए मैंने डिजाइन किया है। जिनके पास घर नहीं है उनका एक सपना है कि उन्हें एक सिर्फ रहने के लिए, उन्हें सर छिपाने के लिए जगह चाहिए, तो उनके लिए एक बेहतरीन सा मॉडल मैं लेकर आया हूं। कम पैसों में एक बेहतरीन सा मॉडल, एक बेहतरीन सा डिजाइन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें। जैसा कि मैंने बताया था ये आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मॉडल क्रिएट किया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए अप्रॉक्स में आपका इसमें लगने वाला है और आप इसे आसानी से बनवा सकते हैं। मैंने काफी पेंट वगैरह कर दिए हैं, बट आप पेंट वगैरह हो सकता है इस पैसे में हो भी पाए या ना हो पाए, केवल आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो पाएगा। तो इसी मॉडल को आज हम डिफाइन करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा मॉडल। फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, यहां से यहां तक दोस्तों 20 फिट है और पीछे 16 फिट है। 20 बाई 16 लगभग 320 स्क्वायर फीट में एरिया को हमने कवर्ड किया है और ज्यादा मैंने चीजें यहाँ क्रिएट नहीं की है क्योंकि बजट बढ़ेगा। तो अगर आप एक छोटा घर चाहते हैं, अभी काफी लोग कमेंट करते हैं, मैंने एक दिन कुछ दिन पहले घर बनाया था तो लोगों ने कहा था इसमें किचन नहीं है, सॉरी इसमें लेट बाथ नहीं है, इसमें स्टेयर्स नहीं है। दोस्तों आप इसका विशेष ध्यान रखें, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उन्हें लेट बाथ और स्टेयर्स की आवश्यकता नहीं होती है। सारी चीजें, सारा खेल दोस्तों आजकल पैसे का है, सारी रिक्वायरमेंट है जो भी फुलफिल करता है आदमी पैसे के अकॉर्डिंग करता है। लोगों के पास जिनके पास घर नहीं है उनको एक बेसिक रहने के लिए जगह चाहिए, तो उनको ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को मैंने क्रिएट किया है। ना कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा तो आप बड़ा घर बनवा सकते हैं, उसके लिए ढेरों हमारे पास प्लान अवेलेबल है, उसके आप वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस मॉडल को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले फ्रंट देखिएगा कितना बेहतरीन सा फ्रंट मैंने सिंपल सा डिजाइन किया है। अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की तो आप देख सकते हैं, जब मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा तो आपको मॉडल ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं बेहतरीन सा देखिएगा। मैं इस वाले छत को जैसे आप इधर से चढ़ेंगे तो एक आपको छोटा सा बारंदा देखने को मिलेगा। इधर एक बेडरूम है जिस पर मैंने एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। अब मैंने इस बारंदे से इस जो बेडरूम है इस पर डोर नहीं दिया, कारण उसका है डोर लगवाने में दोस्तों 5,000 रुपए का अप्रॉक्स खर्च आता है, 5 से 6,000 बेसिक से डोर लगवाएंगे तो कॉस्ट को रिड्यूस करने की मैंने कोशिश की है। इसलिए मैंने केवल एक डोर दिया जिससे आप अंदर एंट्री कर पाएंगे और एंट्री करते ही आप इस अपने आंगन बोले से या एक बेडरूम बोले यहाँ पहुंच जाएंगे। और इसका इस कॉर्नर पर मैंने देख सकते हैं एक किचन डिजाइन की है, बस इसके बाद किचन में भी डोर नहीं आपको दिख रहा होगा, सिंपल सा एक पार्टीशन दे दिया है बस, डोर वहां भी नहीं दिया। तो ऐसे 6,000 रुपए अगर आप बचाएंगे तो लगभग 12,000 रुपए आपके बच गए, दो डोर, क्योंकि अगर आप इधर बारंदे से इधर एक बेडरूम में डोर देते तो आपको एक डोर लगाना पड़ता, एक किचन में डोर लगाना पड़ता, तो अप्रैक्स 12,000 की बचत हमने ये कर ली। और इसके बाद सिर्फ दो डोर जो कि एक अंदर जाने के लिए और एक इस बेडरूम को में एंट्री के लिए, सिर्फ दो डोर का इस्तेमाल किया, एक सिंपल सी विंडो इस्तेमाल की है, ज्यादा चीजें नहीं की है, बस ये प्लान पूरा मैंने क्रिएट किया है। एक बारंदा और आपका बेडरूम से हॉल किचन, बस बेसिक सा प्लान, बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। ये लगभग 8 फिट का पिलर है, इसके बाद ये रूफ और इसका बीम और इसके बाद ये पूरा डिजाइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बाद में मैंने इस पर केवल छत बना दी है,
पर बाउंड्री वॉल भी नहीं बनाया है, क्योंकि दोस्तों उतने बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं बन पाएगी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को डिजाइन किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारी पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सभी के डिटेल और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर